दौलतराम ने पहले भी गद्दारी करी पार्टी के साथ में, निर्दलीय लड़के और पार्टी को हरा करके बस जीत करके और नगर पालिका में अध्यक्ष बन गया। उसके बाद पार्टी ने उसको प्रदेश कार्य समिति सदस्य बना दिया। दोबारा फिर उसने गद्दारी करी है वार्ड में, पूरे वार्डों में उसने सेंध लगाई है, सभी को हराने का प्रयास उसने किया है। वो गद्दार है, गद्दार रहेगा, गद्दार था और ऐसे गद्दार अगर रहे पार्टी के अंदर तो ये पार्टी विधानसभा चुनाव हारेगी, ये मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 15 के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद वैष्णव की पत्नी रुक्मणी वैष्णव को वार्ड क्रमांक 15 से पार्षद का टिकट वितरण किया था, जिसको लेकर लगातार पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर पार्टी को जिताने का काम कर रहे थे, परंतु हार के बाद रामप्रसाद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी जनता ने मुझे जनमत दिया था, परंतु मेरे हार का मुख्य कारण जनता नहीं है, मेरा हार का मुख्य कारण भाजपा के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता है, जिन्होंने मेरा और मेरी पार्टी का विरोध किया और निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिलाने का काम किया। उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है और आने वाले समय में यही हाल रहे तो विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। कि जब टिकट की स्थिति आई, जब मैं दौलत राम भाई सब पास गया, तब दौलत राम जी ने यह कहा मेरे से कि डॉक्टर राम प्रसाद तेरा टिकट ही नहीं था, तेरा भाग्य जोर मार रहा है इसलिए तेरे को टिकट मिली, नहीं तो टिकट मेरी जेब में रखा था, टिकट महावीर का था, वो टिकट नहीं मिलने के बाद भी, महावीर को नहीं मिलने के बाद भी मैं टिकट तुझे मिल गया कोई दिक्कत नहीं, पर मैं पूरी ताकत लगाऊंगा महावीर को जिताने के लिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। उसके बाद वो बराबर मोबाइल पर लोगों को बहकाते रहे कि डॉक्टर राम प्रसाद टिकट वोट नहीं देना है, भाजपा को वोट नहीं देना है, टेंट को वोट देना है। और जिस दिन रात्रि को वोटिंग डलेगी उसी रात को, 5 तारीख को रात को मेरे को वो जयश्री प्लेस में मुझे सूचना लगी कि दौलत राम घुसा हुआ, मैं जाके पहुंचा तो मुझे मिल गया। मैंने जाते ही नमस्कार किया, नमस्कार करते ही कि राम प्रसाद मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ। मैंने, भाई साहब मेरा काम कर रहे हो आप, मेरे को बिना सूचना किए मेरा काम कर रहे हो, मैंने 4 बार आपको बुला लिया कार्यालय पर, 4 बार बुलाने के बाद भी कार्यालय पर नहीं आए, तब भी आप मेरा काम करने की बात कर रहे हो, तो भी ठीक है तेरा समझ में आए जो मान ले तू, बाकी मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। मैंने इतना कहने के बाद भी उनसे कहा, भाई साहब चलिए आप कार्यालय चलिए, अगर ऐसी बात हो तो कार्यालय चलिए, तो मैं थक चुका हूँ, मैं कार्यालय नहीं मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद, इतना कहते ही मैंने तुरंत वो वहाँ से रवाना होने लगे। मैंने तुरंत जिलाध्यक्ष जी को बताया, जिलाध्यक्ष जी ने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, दुर्गा लाल विजय जी को बताया, विधायक जी को, उन्होंने कहा रामप्रसाद जी जिलाध्यक्ष को बताओ। इतना होने के बाद मैं तुरंत जिलाध्यक्ष जी से को बता करके मैं दुर्गा लाल जी के यहाँ चला गया। दुर्गा लाल जी मुझे जयस्तंभ पर मिले, जयस्तंभ पर मिलने के बाद मैंने दुर्गा लाल जी से निवेदन किया, मैंने भाई साहब मैं हार रहा हूँ, आप हार रहे हैं चुनाव, तो क्यों क्या बात है, मैंने भाई साहब दौलत राम जी अंदर घुस के उन्होंने पूरा खेला बिगाड़ दिया मेरा और मैं चुनाव नहीं जीत पाऊँगा, तो क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रही क्या करना चाह रहे हैं लोग, मेरे समझ में नहीं आ रही। मैंने भाई साहब आप चलो और कुछ करो, तो भाई साहब ने बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कहीं ड्यूटी इन्होंने दूसरे के लगा दिए, मैं नहीं चल सकता, आप जिलाध्यक्ष को बुला करके कुछ करो उसमें। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से चला और मैं जयश्री प्लेस आके पहुँचा, तो वहाँ आते थोड़ी देर बाद ही जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मेरे से पूछा, पूछने बाद कहा कि आप जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पीए को व्हाट्सअप कीजिए समस्या को, तो वो देखेंगे तो आपकी बात होगी। इतना कहने के बाद मैंने व्हाट्सअप किया, व्हाट्सअप करके उसका मुझे रिप्लाई नहीं आया, और व्हाट्सअप करने के बाद मैं उनसे बात करने लग गया जिलाध्यक्ष जी को, मैंने मैसेज किया उसका रिप्लाई मुझे नहीं आया, और सुरेंद्र जाट जी ने पूरा तरीके से बात को रखी और मेरे से कहा कि चिंता न करें, अपने उसको स्थिति को सुधार लेंगे। बाकी स्थिति कोई नहीं सुधार पाए। दौलत राम जी उसके बाद भी रात के 12 बजे आए, उन्होंने पूरा मोबाइल पे गेम किया, पहले से भी गेम किया, हर जगह फ़ोन कर करके उन्होंने मेरी स्थिति खराब करने का काम किया, मुझे हराने का पूरे तरीके से काम किया। उन्होंने मेरे से कह दिया डॉक्टर राम प्रसाद कि तू जितना चाहे उतनी ताकत लगा ले, तेरे को जीतने नहीं दूंगा, तेरी जमानत जब्त करा दूंगा। ये और लोगों से भी ऐसा कहा कि जमानत जब्त करा दूंगा, और मेरे से बाय फेस उसने कहा कि तेरी जमानत जब्त करा दूंगा, तू चाहे जितनी ताकत लगा ले, तुझे जीतने नहीं दूंगा। इसमें मेरी हार का कारण मेरी जनता नहीं है, मेरी वाड़ी की जनता नहीं है, वाड़ी की जनता ने पूरा सहयोग किया मेरा, पूरी तरीके से जनता मेरे साथ थी, चुनाव जिताने मेरे साथ पूरी तरीके से लगी थी, पर हराने का काम जो किया दौलत राम गुप्ता ने किया, पूरी ताकत लगा दी, पैसा बंटवाया, दारू बंटवाई, पूरी तरीके से उसने जो है अपना काम करना था पूरी तरीके से किया,
उसका मकसद था कि मैं राम प्रसाद को हरा के मैं ओबीसी सीट से अध्यक्ष पद से हटा दूं और मैं सीमा सुमन महावीर को जिता करके अध्यक्ष पद की दावेदारी करूंगा। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता ही हार के मुख्य कारण रहे मेरे, तो नहीं बता सकते किसी प्रकार की स्थिति। मुझे पूरी स्थिति का पता है। दौलतराम ने पहले भी गद्दारी करी पार्टी के साथ में, निर्दलीय लड़के और पार्टी को हरा करके बस जीत करके और नगर पालिका में अध्यक्ष बन गया। उसके बाद पार्टी ने उसको प्रदेश कार्य समिति सदस्य बना दिया। दोबारा फिर उसने गद्दारी करी है वार्ड में, पूरे वार्डों में उसने सेंध लगाई है, सभी को हराने का प्रयास उसने किया है। वो गद्दार है, गद्दार रहेगा, गद्दार था और ऐसे गद्दार अगर रहे पार्टी के अंदर तो ये पार्टी विधानसभा चुनाव हारेगी, ये मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसे गद्दार को अगर जगह मिली, ये ऐसे गद्दार अगर अपनी नगर पालिका में सीट की तैयारी करते हैं, अगर सीमा सुमन को अध्यक्ष बनाने की तैयारी करते हैं, तो ऐसे गद्दार पार्टी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी भी कर देंगे, कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे।